राजस्थान कांग्रेस की तीसरी सूची गुरुवार को जारी हो गई है। इसके तहत 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसमें भीलवाड़ा जिले की साहड़ा विधानसभा से वर्तमान विधायक गायत्री देवी का टिकट काटकर उनके देवर राजेंद्र त्रिवेदी पर पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें उम्मीदवार बनाया। तीसरी सूची में राजेंद्र त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया गया है। राजेंद्र त्रिवेदी साहड़ा से वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक रहे स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी के छोटे भाई हैं। कांग्रेस ने साहड़ा सीट से एक बार फिर त्रिवेदी परिवार को रिपीट किया है। उसकी एक वजह इस क्षेत्र में स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी और उनके परिवार का दबदबा है। हालांकि कांग्रेस ने वर्तमान विधायक और कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी का टिकट काट दिया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण विधानसभा क्षेत्र में उनकी कमजोर पकड़ को माना जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि यहां कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में पार्टी ने उनकी पत्नी गायत्री देवी को टिकट दिया था, जिसे राजेंद्र त्रिवेदी नाराज हो गए थे और उनके समर्थकों में भी इस बात की टीस थी। इस वजह से कांग्रेस से बागी होकर अपने भाभी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन उस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मान मनोहर के बाद दोनों के बीच की खटास मिट गई थी। राजेंद्र त्रिवेदी उस समय भी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को सांत्वना के तौर पर टिकट दिया गया था। कुल मिलाकर इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा राजेंद्र को प्रत्याशी घोषित करने के बाद उनके समर्थकों में तो खुशी और उत्साह है ही, बल्कि खुद प्रत्याशी त्रिवेदी भी उनकी इच्छा पूरी होने से काफी गदगद है। वहीं राजेंद्र त्रिवेदी साहड़ा विधानसभा क्षेत्र के रायपुर पंचायत समिति के उप प्रधान रह चुके हैं और उनके भाई स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी वर्ष 2003, 2008 और वर्ष 2018 में विधायक चुने गए थे। उनके कोरोना से हुई मौत के बाद उपचुनाव में कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को प्रत्याशी बनाया गया और गायत्री त्रिवेदी उपचुनाव में भारी मतों से विजयी हुई थी। इस बार गायत्री त्रिवेदी के देवर राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दिया गया है।